शास्त्र शामिल हैं। आज कबीर जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कबीर पंथियों द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को कबीर जयंती मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कबीर दास जी का जन्म 1440 में उत्तर प्रदेश के मगहर में हुआ था। इस साल कबीर दास जी की 646वीं जयंती मनाई जा रही है। कवर्धा के अंबेडकर चौक स्थित वीर सावरकर भवन में कबीर प्रकट उत्सव मनाया गया। मानिकपुरी पनिका समाज की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में गुरु महिमा पाठ किया गया। इससे पहले शोभा यात्रा निकाली गई जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए वीर सावरकर भवन पहुंची। इसके बाद चौका आरती और प्रसाद वितरण किया गया। कबीर दास जी की जयंती के अवसर पर कबीर पंथियों ने एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कबीर पंथ के अनुयायियों ने बताया कि हर साल कबीर जयंती उल्लासपूर्वक मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि कबीर के प्रेरक दोहे आज भी अनुकरणीय हैं। और ये 625 वर्ष हो गए हैं। हर साल प्रतिवर्ष अनुसार अपन कबीर प्रकट मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीर जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में श्री बघेल ने कहा कि संत कबीर का जीवन दर्शन सदैव प्रासंगिक है। संत कबीर ने दोहों के माध्यम से प्रेम, सद्भावना और सामाजिक समानता का संदेश दिया है।